हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में हम जो यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आती है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, कोई भी सिविल सर्विस के जो हिस्ट्री ऑप्शनल में आजकल ये प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। हम लोगों ने पूरी जो यहाँ पे साइट्स, जो पॉसिबल क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं या फिर जो अलग अलग टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, तो 20 ईयर्स ऑफ यूपीएससी सोल्व क्वेश्चंस और उसके आंसर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री एंड प्रोटो हिस्ट्रिक साइट्स। तो सारे वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उन फेज को कहा जाता है जो राइटिंग, यानी कि राइटिंग जो स्क्रिप्ट आज हम लिखते हैं ए बी सी या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में, राइटिंग इन्वेंशन होने से पहले की जो हिस्ट्री है वहाँ पे उसको प्री हिस्ट्री बोला जाता है। तो इसको जो है प्री हिस्ट्री को अलग अलग तीन स्टोन एजेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। और बात करेंगे अगर प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है कि बिटवीन प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री जो पार्ट है उसके बीच का जो फेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कल्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली डेवलप नहीं था, या फिर ऐसे भी रिटन रिकॉर्ड्स अगर मिलते भी हैं लेकिन लिटरेट सिविलाइजेशन उस टाइम में पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी। तो अलग अलग फेजेस को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए पैलियोलिथिक पीरियड जो है, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, लगभग 5 लाख बिफोर क्राइस्ट से लेके 10,000 BC। मेसोलिथिक पीरियड जो है, उसको लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, 10,000 BCE से लेके 6,000 BCE। नियोलिथिक पीरियड, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, 6,000 BCE से लेके 10,000 BCE तक। और चालकोलिथिक पीरियड जो है, स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है, जिसको 3,000 BCE से लेके 500 BCE। और जो आयरन एज है, 1500 BCE से लेके 200 BCE। तो इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो आसानी होगा। तो हम लोग जो प्री एंड प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड के जितने भी पॉसिबल साइट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए मैप, तो गूगल मैप का सहारा लिया है यहाँ पे, जो भी साइट्स है उसको यहाँ पे थ्रू गूगल मैप के साथ इसको मैपिंग की है अलग अलग जगहों पे। तो पहला आप देख सकते हैं जो गणेश्वर जो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं राजस्थान जो है इस एरिया में गणेश्वर आती है यहाँ पे, एकदम जो राजस्थान के आसपास ही होगा, यहाँ पे जो हरियाणा के बॉर्डर के काफी पास गणेश्वर आप देख सकते हैं, नंबर वन। दूसरा जो है आदमगढ़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, एकदम सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं। पिकलीहाल जो है यहाँ पे 3 नंबर आप देख सकते हैं, कर्नाटका इस एरिया में आती है यहाँ पे पिकलीहाल। देन मेहरगढ़ जो है यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान में है, यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में। 5 नंबर जो है हल्लूर, काफी पास है यहाँ पे पिकलीहाल के, यहाँ लगभग कर्नाटका और गोवा के आसपास ही होगा यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में। और 7 नंबर जो है बुर्जाहोम जो आपको मिलेगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इस एरिया में। 8 नंबर जो है चोपानी मांडो, तो उत्तर प्रदेश के एकदम बॉर्डर लाइन पे यहाँ पे है, जो साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश के यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया मिल सकता है कि कौन सी साइट कहाँ पे है, लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूँगा कि इन साइट्स को आप जो है खुद से गूगल मैप पे जाइए, उनको उस जगह पे टाइप करके उसको देखिए कि एग्जैक्टली उसकी पोजिशन कहाँ पे है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको जब प्रश्न पूछे जाएंगे पैलियोलिथिक साइट में, उत्तर प्रदेश या फिर ऐसे ही जगहों में से, आसपास की जगह से 2 साइट्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर उस जगह की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होगा, तो क्या हो सकता है कि उसको आप लोग रॉन्गली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक्यूरेट जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हम लोग हर साइट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है गणेश्वर, यूपीएससी 2020 में इसको पूछा गया था। तो गणेश्वर अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि लगभग 4000 साल पुराना सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे रिमेन्स जो है उसको एक्सकेवेट करने के बाद उसको मिला था। तो इसकी जो सोर्स है रिवर कंटली उसके आसपास है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है कॉपर टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन हैं पे जो जानवर मिले थे यहाँ पे, प्रेसियस काफ़ी स्टोन्स के यहाँ पे बीट जो है मोटी जो है यहाँ पे मिले थे, काफ़ी सारे माइक्रोलिथ्स भी यहाँ पे औजार स्मॉल जो औजार भी यहाँ पे मिले थे इस साइड में। तो गणेश्वर अगर आप देखेंगे आज के ज़माने में गणेश्वर दिखने में कुछ इस तरीके से होगी। दूसरा आगे बढ़ते हैं हम आदमगढ़। तो ये आदमगढ़ जो फेमस है उसके जो ओल्ड रॉक पेंटिंग्स जो स्टोन केव्स पे बनाए गए थे और जो काफ़ी जो रिमेन्स है स्टोन एज के फ्रॉम केव पेंटिंग्स और आदमगढ़ हिल में यहाँ पे जो रॉक शेल्टर है यहाँ पे उसको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ सर्वे भी की थी यहाँ पे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन साइट इन इंडिया कहा जाता है, लगभग भीमबेटका जो है उस साइट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है आदमगढ़। तो कुछ इस प्रकार की दिखती होगी आजकल के जो आदमगढ़ जो एरिया है ऐसी दिखाई देगी। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने अपनी एक ई बुक के बारे में कहा था यहाँ पे। तो इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं, लगभग 300 से भी ज़्यादा साइट्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पूरी डिटेल तरीके से। आपको मैप्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे और हर चैप्टर के शुरुआत में यहाँ पे डिटेल में चैप्टर के बारे में लिखा गया है। तो उन पोर्शन से आपको जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी एक बेस बन जाएगी यहाँ पे। तो ये ईबुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो है यहाँ पे जितने भी साइट्स है, इतनी साइट्स तो इस पूरी सीरीज में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, जितना हो सके मैं सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेकिन फिर भी रिविजन के तौर पर आपको प्लीज़ ये ईबुक खरीद लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल लगेगी आपको। हर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारे मैप्स को यहाँ पे थ्रू गूगल मैप यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है साइट्स को। जब आप खरीदेंगे आपको तब पता चलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पिकली हाल, 2012 में इसको पूछा गया था। तो तीन ब्यूरियल साइट जो है यहाँ पे न्योलिथिक टाइम के यहाँ पे पाए गए हैं। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्रिक साइट या फिर जो हिस्ट्रिक साइट या फिर पैलियोलिथिक साइट, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक जो है साइट पैलियोलिथिक साइट भी कहा जाता है एक साइट को, एक जगह पे आपको मिलेगा वो साइट को मेसोलिथिक में भी इंक्लूड किया गया है। तो मेन चीज क्या है कि आपको उस साइट के बारे में पता होना चाहिए। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में मेन डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। तो जो बुक के बारे में मेंशन किया डिटेल में आपको लिखा है साइट्स के बारे में, पूरा अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उसको अगर आपको पता होगा तो काफ़ी आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे जो भी तीन न्योलिथिक साइट्स बुरियल साइट्स मिले हैं ये इलिप्टिकल इन शेप है। काफ़ी सारे यहाँ पे पॉटरी स्टोन एक्स और जो स्टोन वेपन्स भी पाए गए हैं और आयरन एज के जो बुरियल ग्राउंड्स यहाँ पे मिले हैं ये अपने ड्वेलिंग से काफ़ी दूर यहाँ पे पाए गए हैं यहाँ पे। तो इन सब जो है मेनली सर्कुलर शेप और काफ़ी साइज में बड़े हैं। और यहाँ पे जो भी रॉक्स है ये इरेक्टेड है और ये अपने जो बुरियल प्लेस है यहाँ पे उसको डिमार्केट करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेहरगढ़। आप देख सकते हैं चार बार इसको यूपीएससी ने पूछा है, 2019, 16, 14 और 12। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ। तो ये कहा जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड न्योलिथिक सेटलमेंट इसको कहा जाता है। लगभग 7th millennium BC में ये जो है फ्लोरिश हुई थी। मेहरगढ़ जो है ये लोकेटेड है बोलन रिवर के आसपास। तो मेहरगढ़ कल्चर जो है इसको 8 सब पीरियड्स में भी डिवाइड किया जाता है और अर्लीस्ट पीरियड जो है मेहरगढ़ इसमें जो है काफ़ी पॉलिश्ड
स्टोन टूल्स भी पाए जाते हैं, माइक्रोलिथ्स या फिर बोन से हड्डियों से बने हुए टूल्स का भी इस्तेमाल हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं आज के जमाने में मेहरगढ़ अगर आप जाएंगे कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे, कितनी खूबसूरत आपने यहाँ पे है। तो डिटेल में यहाँ पे आप जब बुक पढ़ेंगे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है अहलूर, 2012 और 2009 में इसको पूछा गया था। साउथ इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट आयरन एज साइट है, तो काफी सेमी एरिड रीजन में ये पाया जाता है, काफी स्क्रब वेजिटेशन भी है और तुंगभद्रा रिवर जो है उसके जो है तट पर पाए जाते हैं हल्लूर साइट। तो इसमें अगर बात करेंगे दो पीरियड में इसको डिवाइड किया जाता है, पहला पीरियड जो है नियोलिथिक चैल्कोलिथिक, दूसरा पीरियड जो है ये एक ओवरलैपिंग पीरियड है बिटवीन नियोलिथिक चैल्कोलिथिक और अर्ली आयरन एज। तो ये जो है एक ट्रांजिशन है जहाँ पे आयरन एज से लेके लगभग 200 से 1200 से लेके 1000 बिफोर क्राइस्ट जो है यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो हल्लूर की जो यहाँ पे केव है कुछ इस प्रकार दिखती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे तीन साइट जो है चिरनार्ड 2012 और 11 में पूछा गया था, बुरजाहम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, देन आपको चौपानी मांडो ये जो एक स्टोन एज साइट भी कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश के जो साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, तो इन सब के बारे में आपको बुक में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हर साइट्स जो मैंने बुक में मेंशन किया है सब के बारे में डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं होता है, जितना हो सके मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप बुक को एक बार देख भी लेंगे हर चैप्टर को, बहुत आसानी से आप उसको याद रख पाएंगे। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप मैप बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस बुक और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिएगा ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स या फिर दूसरे एस्पिरेंट उनको भी काफ़ी मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।